शांति। आज की तारीख है 25/1/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है भक्ति मार्ग में तो हम बच्चों ने बहुत ही प्रभु को याद किया और फिर याद करते करते कई ऐसी आदतें भी डाल दी जो आदतें आज ज्ञान मार्ग में भी हमारी बाहर आ जाती हैं। तो बाप दादा क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग की आदत है। प्रश्न है तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो ये किस बात का प्रतीक है। उत्तर है अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। धारणा के लिए मुख्य सार की दो ज्ञान की बातें। नंबर एक है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। ये घर गृहस्थ में रहने वालों को बाबा बता रहे हैं। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। नंबर दो है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान है आज का विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाप दादा कहते हैं जो आईवेल के लिए भविष्य के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से उनको पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। बाबा कहते छोटी सी भी कोई बात होगी तो भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही और सहयोगी। स्लोगन है आज का किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा अब हम सुनेंगे ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का पुरुषार्थ क्या करें। अभी स्पीकर की सीट के साथ स्पीच देने वाले स्पीकर तो उनको सीट पर बिठाया जाता है। तो अभी स्पीकर की सीट के साथ सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन लो। इस आसन पर बैठ सदा सहज योगी सदा के योगी स्वतः ही योगी बनो। सर्व अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो सब आप ही झुकेंगे। अच्छा ओम।
शांति।